महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शहीद स्थल झूलाघर पर सीआईटीयू और सीपीएम द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर आशाएं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्रियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सीआईटीयू के संयोजक भगवान सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानून को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे मजदूरों पर संकट पैदा हो गया है और सरकारी मजदूर विरोधी हो गए हैं। इस अवसर पर सीपीएम के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि आज पूरे देश में सितंबर अभियान चलाया जा रहा है और सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में मजदूर द्वारा अपने परिवार को पालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। और सीपीएम के द्वारा संयुक्त रूप से जो है सितंबर अभियान चलाया जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेके, मोदी सरकार की नीतियों, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सीआईटीयू और सीपीएम का संयुक्त रूप से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। उसी क्रम में जो है आज मसूरी में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा भी जो है सरकारी उपकरणों में लगातार जो है ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है संविदा कर्मियों को ख़त्म करके आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है रखने के लिए सरकार ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं निकायों के अंदर, जो भी ऊपर में है सरकारी ऊपर। तो इन सभी मांगों को लेके आशाएँ हैं हमारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी जो विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर के आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री को इसके बाद जो है हमने जो है उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये मांगे हैं इन पर सरकार अमल करे, अपना तानाशाही रवैया जो है सरकार का उसे छोड़े। इसके साथ ही हम एक बात, हमारी एक मांग और है कि जो है हमारी एक मांग है कि सरकार ने जो है 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं, उनको लागू करने का प्रयास कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन लगातार जो है उन 4 श्रम संहिताओं का विरोध कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं श्रमिकों के हितों के खिलाफ है। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम लेखराज है, मैं सीटू का जिला महामंत्री हूँ। ये पूरे देश के अंदर सीपीएम का और सीटू का सितंबर अभियान चल रहा है, जो सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई की गई है। और न्यूनतम वेतन में हमारी मांग है कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए। और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो है 9,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, इसको जो है 26,000 किया जाना चाहिए। इस महंगाई के समय में किस तरीके से मजदूर अपनी अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इस सरकार को समझना चाहिए। वहीं जो है बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगार ये सरकार ने कहा था कि 1 करोड़ बेरोजगारों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, लेकिन मोदी की सरकार जो है रोजगार देने की बजाय जो लोगों का रोजगार है उसको छीनने का काम कर रही है। चाहे वो संविदा का मजदूर है, चाहे वो होटल वर्कर है, चाहे वो तमाम जगहों पर सरकारी संस्थानों में जो वर्कर है उसको जो है उसके नौकरी छीनने का काम जो है ये सरकार कर रही है। जो बड़े बड़े जो संस्थान हैं, चाहे वो FRI है, चाहे वो ऑर्डनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो ONGC है, तमाम जगहों पर छटनियाँ की जा रही हैं और जो संविदा का मजदूर है उसके ऊपर गाज गिर रही है। और ये रेगुलर भर्ती ना करके ये सरकार जो है संविदा के और ठेके के मजदूर को ला रही है ताकि उनका शोषण किया जा सके, और बदस्तूर शोषण जारी है। हमारा ये मांग है कि जो हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, आशाएँ, भोजन माताएँ, आंगनबाड़ी जो है उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए, कम से कम उनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए और उनके जो इंसेंटिव है उनको बढ़ाया जाना चाहिए, उनको सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए, पेंशन और ग्रेजुएटी का भी जो है उनको दिया जाना चाहिए।